रोग फोन 3। तो भाई नहीं है ये, लेकिन एक MIUI का रोग एडिशन रोम आप सभी के लिए लेके आया हूँ, जो कि आपको काफी अच्छे खासे कस्टमाइजेशन और चेंजमेंट है जो प्रोवाइड करता है। यानी यहाँ पे आपको रोग फोन वाली थोड़ी बहुत फीलिंग मिलेगी इसे कस्टमाइजेशन के वजह से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी एडिशन के बारे में, जो कि हमें MIUI 12 के ऊपर देखने को मिलता है। जहाँ पे आप देख सकते हो अभी एक्स रोग इन्फो, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बिल्ड नंबर 12.2, जो कि आपको एडिटेड बाय देखने को मिलता है, जिनके तरफ से पोर्ट किया गया उनका नेम। और यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट्स की बात करें तो आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि 2020.9.5 का प्रोवाइड किया गया है। बिल्ड जो है लेटेस्ट बीटा के ऊपर रन कर रहा है, जो कि 20.9.24 है, जिसकी वजह से आपको काफी इंटरेस्टिंग न्यू चेंज देखने को यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे कर्नेल है जो प्योर CF का यूज किया गया है, जो कि काफी बेटर परफॉर्मेंस आपको देता है। वहीं पे थोड़ी सी बैटरी में आपको कमी मिलती है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस वाला कर्नेल है, ना कि बैटरी वाला। अगर आपको बैटरी चाहिए तो बैटरी वाइज जो कर्नेल को चेंज कर सकते हो, आपको बेहतरीन बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट इसका जो थीम है ये बिल्कुल ही चेंज है, और देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यानी बाकी अगर MIUI के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट लुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्पेशल फीचर्स में आपको देखने को मिलता है वही सारे सेकेंड स्पेस, यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स, गेम टर्बो वगैरह जो कि काम करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग और मोड के अंदर मिलता है रीजन का सपोर्ट, जहाँ पे आप रीजन को चेंज कर सकते हो। फुल स्क्रीन के अंदर आपको मिल जाता है एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट, साथ साथ जेस्टर्स के शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी टच आपको जो कि क्विक बॉल है देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि प्रॉपर काम करता है। बैक साइड की ओर आते हैं तो यहाँ पे मिलता है एप्स, जिसका UI बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है और नए लुक में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सब कुछ यहाँ पे इस वजह से डिफरेंट रखा गया है। तो यहाँ पे UI के अंदर काफी चेंज किया गया है, जो कि आपको एप्स लॉक के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जहाँ फेस अनलॉक, हाइट वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसे फिलहाल मैं कर देता हूँ अभी टर्न ऑफ। बैक साइड की ओर चलते हैं तो आपको मिलते हैं वही सारे ऑप्शन, जैसे कि ड्यूल मैनेज सिस्टम एप्स वगैरह, बैटरी के अंदर अल्ट्रा बैटरी सेविंग और ऑटोमेटिक टास्क मैनेजर भी देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है आपके लिए अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो। साथ साथ यहाँ पे परमिशन का नोटिफिकेशन मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट फीचर है MIUI 12 का। और यहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह देखने को मिलता है। फेस अनलॉक तो मैंने अभी तक सेट नहीं किया है, लेकिन चलिए सेट कर लेते हैं अपने फेस अनलॉक। यहाँ पे फेस अनलॉक मैंने सेट कर दिया और यहाँ पे ड्यूल फेस अनलॉक का भी सपोर्ट आपको मिलता है। गुडिक्स और FPC दोनों वर्किंग है, तो फिंगरप्रिंट में कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। थीम में नॉर्मल आपको देखने को मिलता है, और साथ साथ कलर OS का 7.1 का एक आपको थीम भी देखने को मिल जाता है, जिसे अप्लाई करके आप काफी इंटरेस्टिंग है जो चेंज कर सकते हो, और कलर UI टाइप के आपको लुक्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो काफी बेहतरीन आपको एक बाय डिफॉल्ट थीम देखने को मिलता है। वॉलपेपर के अंदर वही सारी चीज आपको सिमिलर देखने को मिलता है, जहाँ पे कोई चेंज वगैरह नहीं है। और यहाँ पे लॉन्चर यानी हमारे होम स्क्रीन का नाम लॉन्चर कर दिया गया है, जहाँ पे सेम ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं जो कि पहले भी हमें देखने को मिलते आए हैं। साउंड के प्रोफाइल में वही सारी चीजें आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रोफाइल वीडियो फॉर इनकमिंग कॉल एडिशनल सेटिंग्स वगैरह। और डिस्प्ले के अंदर आपको रीडिंग मोड मिलता है, एंटी फ्लिकरिंग देखने को मिलता है, और यहाँ पे डार्क मोड भी मिलता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे ग्लोबल डार्क मोड तो नहीं लेकिन इंडिविजुअल का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे ग्लोब मोड काम नहीं करता है, लेकिन कंट्रोल सेंटर में वही सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि अक्सर हमें EU और बाकी रोम के अंदर दिखाई देता है। ऑलवेज ऑन तो यहाँ पे काम करता है, बट प्रॉपर फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये अनस्टेबल है, तो यहाँ पे आपको ब्लिंक देखने को मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑलवेज के लिए यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है। और साथ साथ ये MIUI 12 के क्लॉक को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपको अनलिमिटेड क्लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है। बैक साइड की आते हैं तो वही आपको राइट टू वेक वगैरह, चार्जिंग इन्फो वगैरह देखने को मिलता है। लेकिन और चेंज की बात करें इसके अलावा, तो आपको देखने को मिलता है कैलेंडर के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट, जो कि आपको ट्रिपल डॉट और यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन में देखने को मिलता है, जहाँ पे 2-3 नए ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। क्लॉक की ओर आते हैं तो यहाँ पे इसका जो स्टॉप वॉच है, इसका UI में हल्का सा इम्प्रूव किया गया है, तो ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नोटपैड के अंदर है जो टाइटल का नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था, तो अब टाइटल भी नया हाल फिलहाल में ऐड किया गया है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आई की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रूट पहले से नहीं, आपको बस APK इंस्टॉल करना है। जी हाँ, आपको मैजिक फ्लैश नहीं करना, जो है बूट लूप देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक और डिफरेंट स्क्रीन रिकॉर्डर यूज किया गया है, जो कि फुल्ली वर्क करता है, और मैंने रिकॉर्ड करके टेस्ट भी किया है, तब इसका यूज कर सकते हो। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट हटाया गया है,
लेकिन एक डिफरेंट स्क्रीन रिकॉर्डर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अनटूटू का स्कोर काफी बेहतर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको गेमिंग कर्नेल मिलता है, तो यहाँ पे आपको काफी ह्यूज अनटूटू का स्कोर देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग वगैरह के लिए अच्छा है, परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है। लेकिन वहीं पे आपको जो बैटरी में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करनी होगी, तो आप कर्नेल मैनेजर का यूज करते हुए बैटरी को बैटरी सेविंग पे सेट कर सकते हो, ताकि आपको अच्छा सा बैटरी बैकअप देखने को मिल सके। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1.4 GB यहाँ पे रैम फ्री देखने को मिल रहा है, जबकि टैब यहाँ पे ओपन है, तो रैम मैनेजमेंट मुझे काफी हद तक सही लगा है। बाय डिफॉल्ट कैमरा हर बार की तरह काम करता है, बट पोर्ट्रेट का आपको बग मिलेगा, तो आपको जीकेम वगैरह यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको पोर्ट्रेट की इशू मिल जाती है। यूट्यूब वगैरह वर्किंग है, यहाँ पे आपको जो बाकी स्काई वगैरह के फिल्टर्स भी देखने को मिलते हैं, प्रॉब्लम नहीं आता है। वीडियो एडिटर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। साथ साथ आगे एक्स्ट्रा बात करें तो यहाँ पे आपको FM वर्किंग मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स डिमांड करते हैं भाई FM काम कर रहा है या नहीं, तो यहाँ पे आपको वर्किंग मिल जाता है। यहाँ पे आप है जो जियो का कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन वीडियो कॉल अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। साथ साथ आप ब्लूटूथ यूज कर सकते हो म्यूजिक लिसन करने के लिए, और साथ साथ कॉलिंग वगैरह के लिए भी आप कर सकते हो, प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और इसके जितने भी सिस्टम साउंड है वो सब चेंज कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे अनलॉकिंग साउंड आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे आपको जो बाकी का साउंड भी काफी डिफरेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे पूरा सिस्टम साउंड को चेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको नया लुक और नई फील आती है इसे यूज करने के बाद। और इसका जो थीम है ये काफी अच्छा खासा आपको चेंज प्रोवाइड करता है। जब हम किसी सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आपको हल्का सा एक डॉट देखने को मिलता है हर एक एप्स के ऑप्शन के कॉर्नर के ऊपर, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको किसी एक सेटिंग के अंदर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑन की जगह एक डॉट है, यहाँ पे ऑफ की जगह डॉट है, बीच में डॉट है यहाँ पे, तो इस तरीके से डॉट डॉट थोड़ा सा अलग सा है जो लुक देते हैं इस फोन को, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसका जो थीम मैनेजर है आपको चाइना वाला ही मिलता है, ग्लोबल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप MTZ थीम वगैरह इम्पोर्ट करके यूज कर पाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसका जो फाइल मैनेजर है इसमें एक और नया ऑप्शन मिलता है, जो कि इनक्रिप्ट प्रोटेक्शन का है। जी हाँ, तो यहाँ पे फाइलों को इनक्रिप्ट वगैरह कर सकते हो और प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो काफी इंटरेस्टिंग आपको चेंज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रही बात कि इसे फ्लैश कैसे करना है, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दिया है, उसको आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे आप वॉच करके इसे इजीली फ्लैश कर पाओ अपने फोन के अंदर, और इस रोग एडिशन का फुल बेनिफिट है जो ले पाओगे। आप बताना मुझे कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे बूट एनिमेशन भी चेंज है, एडिशन भी चेंज है, थीम भी आपको चेंज मिलता है, और बिल्कुल ही लेटेस्ट फीचर्स का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि इस रोम को बिल्कुल ही यूनिक बनाता है बाकी अदर MIUI के मोड वाले रोम के कंपैरिजन में। बट आपका इम्पोर्टेंट रहेगा ओपिनियन मेरे लिए कि क्या है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।